पार्ट थ्री में आज हम कैपिटल बजटिंग के प्रोसेस या टेक्निक्स की बात करेंगे। प्रोसेस या टेक्निक्स को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसमें फर्स्ट स्टेप है, प्रोसेस का मतलब वो एक हो गया कि हमें कैपिटल बजटिंग के क्या के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करना होगा, राइट। तो फर्स्ट है ओरिजिन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, यानी कि विनियोग प्रस्तावों का उद्गम, यानी आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए। सेकेंड स्टेप है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ प्रपोजल, यानी प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण, कि जो आपने प्रपोजल सोचा है उसका हम कैसे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, यानी उसमें एक डेट आएगा, प्रोजेक्ट का नाम आएगा, आपकी जो रिस्क है, आपने क्या क्या जोखिम उठा रहे हैं, टोटल कॉस्ट आएगी, ठीक है, प्रोजेक्ट कब एंड होगा, उस सब की डेट आएगी। तो ये प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण मतलब एक फॉर्मेट के रूप में आपको बनाना होगा। स्कैनिंग इन द प्रपोजल, यानी कि आपको प्रस्तावों की जांच करनी होगी। जांच का मतलब हो गया कि आपने जो अपने संस्था का या फर्म के बजट के अकॉर्डिंग बनाया है कि नहीं बनाया, उसकी जाँच होगी, राइट। प्रस्तावों का आर्थिक विश्लेषण, यानी इकोनॉमिक इवैल्यूएशन ऑफ द प्रपोजल, यानी कि आपने जो प्रपोजल रखा है संस्था के सामने, क्या वो इकोनॉमिक लेवल से फ़ायदेमंद है या नहीं, या प्रॉफिटेबल होगा या नहीं, उसके बारे में डिसीजन लेना। फिफ्थ है प्रोजेक्ट सेलेक्शन, यानी कि जो आपने इतने सारे प्रपोजल रखे उसमें से बेस्ट का सेलेक्शन करना, राइट, यानी कि जो बेस्ट होगा उसी का ही सिलेक्शन किया जाएगा इतने प्रपोजल में से। फाइनल डिसीजन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी फाइनल में आपका डिसीजन हो गया कि हो सकता है कि आपका जो फाइनल डिसीजन है वो आपके फर्म के BOD यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा लिया जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट वाकई में ही सही है। फॉर्मुलेशन ऑफ कैपिटल बजट, जब फाइनल डिसीजन हो जाता है तो हम उस कैपिटल बजट का निर्माण बनाना या चालू कर देते हैं। ऑथोराइजेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट मीन्स कि पूंजी व्ययों का अधिकरण। पूंजी व्ययों का अधिकरण का मतलब हो गया कि जो भी कैपिटल बजट को बनाएंगे उसके बाद में हम डिपार्टमेंट के क्या करेंगे, डिपार्टमेंट में उन सभी एक्सपेंडिचर का क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट क्या करेंगे, सभी डिपार्टमेंट मिल के उस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट की बात की जा रही है, जैसे आपका परचेजिंग डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, तो ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनमें उस एक्सपेंडिचर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फिर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट का मतलब हो गया परियोजना का क्रियान्वयन, यानी कि जैसे ही आपके डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ हम रेडी हैं, देन उसको प्रोजेक्ट को बनाने के बाद में उसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि वो कैसे वर्क करेगा। लास्ट है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फीडबैक। फीडबैक का मतलब हो गया जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है क्या वो एकदम फंक्शन सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसमें कुछ चेंज करने का रिक्वायरमेंट है कि नहीं, तो ये सब फीडबैक लिया जाएगा जो प्रोजेक्ट आपने इम्प्लीमेंट किया है। तो ये स्टेप बाय स्टेप होंगे, जिसमें 10 स्टेप है हमारा, और इसी को ही हम 1 by 1 देखते हैं। फर्स्ट है हमारा ओरिजिन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, यानी विनियोग प्रस्तावों का उद्गम। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रेजेंटेशन ऑफ कैपिटल बजट स्टार्ट विद द ओरिजिन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। कोई भी जो आप प्रोजेक्ट या अपना प्रपोजल रखना चाहते हैं उसका सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को बनाना, कि आप विनियोग करने के इच्छुक हैं और आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जब तक आप इन्वेस्टमेंट का कोई प्रपोजल्स या डिफरेंट प्रोजेक्ट को नहीं रखेंगे तब तक तो क्या होगा, उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट भी नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसे फर्स्ट स्टेप बोला जाता है। क्लियर है आपको? इसके आगे देखिए, इसके आगे कहा गया है कि द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कैन ओरिजिन एंड एनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल होता है वो उसका उद्यम प्रबंध के किसी भी स्तर पर हो सकता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए प्रपोजल जो होता है उसमें आपका जो हाई लेवल है वो भी होता है, आपका मिड लेवल होता है वो भी आपको प्रपोजल दे सकता है, और लोअर लेवल, यानी हमने जो मैनेजमेंट में पढ़ रखा है, उच्च स्तर, मध्यम स्तर यानी मिडल, और फिर लोअर यानी कि निम्न स्तर। तो इनमें से किसी भी लेवल का जो है प्रपोजल हमारे सामने रखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल द सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस मे बी गिवन बाय फॉरमैन। यानी कि अगर आप कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि उत्पादन क्रिया में सुधार के लिए सुझाव किसी फॉरमैन से भी आ सकता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो भी प्रपोजल रहेंगे वो हाई लेवल
के मैनेजमेंट के द्वारा ही मिलेगा। वो प्रपोजल आपको लोअर लेवल वाले मैनेजमेंट से भी या लो लेवल वाले लेवल से भी मिल सकता है, जैसे कि नया प्रोडक्ट है या नई ब्रांच ओपन करनी है, इस तरह के सजेशंस प्रपोजल्स आ सकते हैं, राइट। तो यहाँ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है, फर्स्ट स्टेप है ये आपका प्रपोजल रखना, सेकेंड है सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन कौन सी हो गई, एनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का कोई भी लेवल इसमें हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ प्रपोजल, यानी कि प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण। व्हेन द ओरिजिन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हैज़ टेकन प्लेस, देन द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रपोजल आर टू बी मेड इन द वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म बिफोर अप्रोप्रिएट ऑफिसर्स, यानी कि जो अपने प्रपोजल का उद्गम हुआ है, या हम कह सकते हैं जब विनियोग प्रस्तावों का उद्गम हो जाता है तब उन्हें उचित अधिकारियों के सामने व्यवस्थित प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जब तक हम प्रपोजल नहीं रखेंगे हम अपना प्रेजेंटेशन तैयार नहीं कर सकते। अगर आपको किसी के सामने अपना ये प्रपोजल्स रखने होंगे तो आपको एक परफेक्ट फॉर्मेट में इसको बनाना होगा। उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, डेट ऑफ रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना की तारीख, यानी आप प्रपोजल रख रहे हैं तो उसका डेट आ जाएगा, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी परियोजना का पहचान संख्या कोई नंबर आपको देना होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है उसका वर्णन देना होगा कि ऐसा प्रोजेक्ट है, प्रपोज ऑफ एंड रिस्क फॉर द प्रोजेक्ट, यानी कि परियोजना का जो हम कह सकते हैं उद्देश्य कह सकते हैं या फिर जोखिम कह सकते हैं उसको रखना होगा, ठीक है। फोर्थ क्या हो गया आपका, सॉरी फिफ्थ, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, कि यानी कितनी कुल लागत लगेगी अनुमानित करके आपको लिखना होगा, एस्टिमेटेड स्टार्टिंग एंड कंप्लीट डेट्स, आपका प्रपोजल जो प्रोजेक्ट है वो कब स्टार्ट हो सकता है और कब कंप्लीट होगा उसका डेट, एस्टिमेटेड कॉस्ट सेविंग और अदर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन, यानी कि आपको अनुमानित राशि भी देखनी होगी और आपको कह सकते हैं कि एस्टिमेटेड आपको अमाउंट भी बताना होगा। दूसरा आपको क्या बताना होगा कि आपको परियोजना की संभावित कितनी राशि, कितनी कॉस्ट लगेगी, कितनी बचत होगी, ठीक है, उसके बारे में भी आपको बताना होगा इसके अंदर, यानी लागत में अनुमानित बचत और अन्य आर्थिक और वित्तीय जो भी आपको लगता है कि नहीं ये होंगे जस्टिफिकेशन, यानी औचित्य रूप से सही है उसको वर्णन करना होगा। अभी हमने टू स्टेप कंप्लीट किया, फर्स्ट इज़ द ओरिजिन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एंड सेकंड इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रपोजल। द फर्स्ट पॉइंट में इम्पॉर्टेंट कीवर्ड था, फर्स्ट स्टेप है ये आपका, ठीक है, और लेवल ऑफ मैनेजमेंट यानी एनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कोई भी मैनेजमेंट का ले सकता है। सेकंड है आपका प्रेजेंटेशन, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं उसी तरह से आपको एक फॉर्मेट बनाना होगा और इसमें ये सारी बातें इंक्लूड करनी होगी, कॉस्ट के बारे में बताना होगा, कितनी रिटर्न अर्निंग होगी उसके बारे में बताना होगा, ठीक है, और आपको ऑब्जेक्ट बताना होगा कि ये इस ऑब्जेक्ट को पूरा करेगा, ये क्लियर है आपके। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था कि स्कैनिंग द प्रपोजल, यानी हम क्या कर रहे हैं, स्कैनिंग कर रहे हैं प्रपोजल की। तो स्कैनिंग द प्रपोजल का मतलब हो गया, When the different department send the proposal to planning committee or budget committee, then the committee scan the proposal. If these are found suitable, then further economic evaluation of this proposal is done. यानी कि हम क्या कर रहे हैं, प्रस्तावों की जांच कर रहे हैं। ये प्रपोजल जो है वो विभिन्न विभागों में, जो भी डिपार्टमेंट है आपके फर्म में, डिपार्टमेंट द्वारा विनियोग प्रस्ताव बजट समिति के पास भेजे जाते हैं, यानी विभिन्न जो डिपार्टमेंट होंगे वो इस प्रोजेक्ट को कहाँ भेजेंगे, विनियोग या इन्वेस्टमेंट जो आपके बजट हैं उस कमेटी के पास में। बजट जो कमेटी होगी इन प्रस्तावों की बहुत डीपली स्टडी करेगा या कह सकते हैं गहराई से जांच करेगी, राइट, और हम कह सकते हैं इकोनॉमिक इवैल्यूएशन होगा उसका, यानी आर्थिक रूप से वो सही है या नहीं होगा इसके बारे में वो कमेटी इसके बारे में निर्णय लेगी, क्लियर है आपको। इस ये समिति, ये जो कमेटी होती है ना वो ये भी देखती है कि ये दीर्घकालीन विकास कार्यक्रम के अनुसार है या नहीं, ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ये बजट के अकॉर्डिंग है या नहीं, उसके बारे में ये डिसीजन लेगी। तो आपको यहाँ जो इम्पोर्टेंट लाइन है स्कैनिंग द प्रपोजल, ये आपको ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट जो है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है आपके फर्म के, वो इस प्रपोजल को कहाँ भेजेगा, प्लानिंग कमेटी के पास में। तो ये आपको ध्यान रखना है, डिपार्टमेंट टू ये कहाँ जा रहा है, प्लानिंग कमेटी के पास में, क्लियर है आपको।
और वही देखेगी कि हमारे फंड के अकॉर्डिंग है या नहीं, हमारे फर्म में इसका फर्म के अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन करेगी कि भई आप हमारे फर्म में जो फंड होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये प्रपोजल रखा गया है। फोर्थ आता है इकोनॉमिक इवैल्यूएशन ऑफ द प्रपोजल, दोज प्रपोजल विच आफ्टर इकोनॉमिक बाय द बजट कमेटी फाउंड सुटेबल फॉर कंसिडरिंग फॉर प्राइमरी इवैल्यूएट। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिन प्रस्तावों की जांच के बाद या कह सकते हैं बजट समिति विचारणीय मानती कि भाई ये सही है तो उनका प्रारंभिक आर्थिक विश्लेषण किया जाता है। प्रारंभिक आर्थिक विश्लेषण का मतलब हो गया कि इसमें कॉस्ट कितना लगेगा और प्रॉफिट कितना होगा इसका मूल्यांकन करता है, और इसके लिए वो डिफरेंट मेथड्स को फॉलो करता है, और ये जो डिफरेंट मेथड्स होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग में कि ये जो आपने प्रोजेक्ट है ये कम टाइम पीरियड में ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है या ज़्यादा टाइम पीरियड लेके प्रॉफिट दे रहा है उसके बारे में। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट था डिपार्टमेंट टू ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है, प्लानिंग कमेटी के बाद में, और प्लानिंग कमेटी इसको डिसाइड करेगी। फिर प्लानिंग कमेटी जो है वो इसको लास्ट डिसाइड कर लेती है, देन उसका इकोनॉमिक इवैल्यूएशन होता है। इकोनॉमिक इवैल्यूएशन का मतलब हो गया आर्थिक विश्लेषण। आर्थिक विश्लेषण में होगा कॉस्ट का देखेंगे कि लागत कितनी लगेगी, देन उससे हमको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कॉस्ट की जितना 10,000 का कॉस्ट लगा है उतना ही आपका प्रॉफिट भी हो रहा है तो इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, राइट। फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्रोजेक्ट सेलेक्शन। व्हेन द इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट इज कंप्लीट देन दोज प्रोजेक्ट आर लेफ्ट आउट विच आर नॉट वेरिएबल एंड नॉट प्रॉफिटेबल। देखिए देन द फर्म सेलेक्ट दोज प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट विच आर विद इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर फिनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फर्म एंड सुटेबल द प्रायोरिटी ऑफ द फर्म। यानी कि अब लास्ट सेलेक्शन हो रहा है आपके इस प्रोजेक्ट का, जितने भी प्रपोजल रखे गए हैं उस प्रपोजल का हमने इकोनॉमिक इवैल्यूएशन कर लिया, और इकोनॉमिक इवैल्यूएशन के बाद में हम देखते हैं कि फाइनल क्या है हमारे पास में। तो जब विभिन्न परियोजनाओं को आर्थिक विश्लेषण किया जाता है, यहाँ पे देखा कि कोई प्रपोजल तो कॉस्ट के बराबर ही प्रॉफिट दे रहा है, कोई देखा कि कॉस्ट से नीचे आपका प्रॉफिट दे रहा है, और हमने देखा कि कहीं कॉस्ट ज़्यादा आ रही है क्या कम आ रही है। तो ये सारा इवैल्यूएशन देखने के बाद हम क्या करते हैं प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, और हम उसी प्रोजेक्ट को सिलेक्शन करेंगे जहाँ कॉस्ट कम और प्रॉफिट ज़्यादा आए। क्लियर है आपको? तो कौन से प्रोजेक्ट को सिलेक्शन किया जाएगा जहाँ आपकी कॉस्ट क्या हो कम हो और प्रॉफिट क्या हो ज़्यादा हो। क्लियर है आपको? चलिए इसमें क्या बता रहे हैं कि जब विभिन्न परियोजना का आर्थिक विश्लेषण किया जाएगा, इवैल्यूएशन हमने कर लिया, देन क्या करेगा उनमें से उन परियोजनाओं को छोड़ दिया जाता है जो अनावर्तिक या अलाभदायक होती है, यानी जो प्रॉफिटेबल नहीं होती हैं। क्लियर है आपको? जो कॉस्ट के बराबर ही आपको प्रॉफिट दे रही हैं। उसके बाद में सिर्फ फाइनली कौन सी बचती है, जो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट होते हैं वो प्रोजेक्ट बचते हैं। उसके बाद में आप देखते हैं उनमें से फर्म के वर्तमान साधनों और भावी साधनों को देखते हुए विभिन्न परियोजनाओं को फर्म के पूर्व निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार प्रायोरिटी के अनुसार चुना जाता है। यानी इकोनॉमिक इवैल्यूएशन हो गया, इकोनॉमिक इवैल्यूएशन के बाद में काफ़ी प्रोजेक्ट हैं प्रपोजल हैं वो यहाँ से हट जाएंगे क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं है। फिर रिमेनिंग कौन से बचेंगे, सिर्फ प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट बचेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे हमारे फर्म के प्रेजेंट टाइम में और फ्यूचर टाइम के जो रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सा प्रोजेक्ट है और उसको ही प्रायोरिटी दी जाएगी। सिक्स पॉइंट है फाइनल डिसीजन ऑन द प्रोजेक्ट, द बजट कमिटी इवैल्यूएट डिफरेंट प्रोजेक्ट एंड द चूज द सुटेबल प्रोजेक्ट। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया था। सेंड दोज प्रोजेक्ट विच डिटरमाइंड रिकमेंडेशन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी कि इवैल्यूएट कर दिया, उसके बाद में बजट कमेटी ने इसको देख लिया, चेक कर लिया, उसके बाद में ये प्रोजेक्ट कहाँ जाता है, किसकी सिफारिश के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गिव इट्स फाइनल डिसीजन। कौन दे रहा है आपको, एक बात याद इसमें रखनी है, फाइनल डिसीजन तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा दिया जा रहा है। द आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ BOD, BOD मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द प्रोजेक्ट इंक्लूड इन द कैपिटल बजट। यानी कि जब फाइनल डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के से दे दिया जाता है, अप्रूवल करा दिया जाता है, तब इसे किसमें शामिल करेंगे, कैपिटल बजटिंग में शामिल कर देंगे। तो फाइनल डिसीजन कौन ले रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा लिया जा रहा है। सेवन पॉइंट है हमारा
फॉर्मुलेशन ऑफ कैपिटल बजट, अब हम कैपिटल बजट का निर्माण कर रहे हैं। द फंड्स आर प्लान्ड आफ्टर अप्रूवल ऑफ BOD, ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट को लास्ट फाइनल कौन अप्रूव कर रहा है, BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। द प्लानिंग ऑफ फंड्स इज कॉल्ड कैपिटल बजट, जब हम उस प्रोजेक्ट के लिए फंड का जो हम प्लानिंग करते हैं, यानी कि जो कोष का कह सकते हैं कोष का नियोजन करते हैं, उसे किस नाम से बुलाते हैं, कैपिटल बजट। जब प्रपोजल, जब फाइनल डिसीजन ले लिया जाता है, फिर हम देखते हैं कि हाँ अब इसके लिए कैपिटल बजट हमको बनाना है। द फिनेंस कमेटी मार्क्स कैपिटल बजट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द डिफरेंट प्रोजेक्ट, अब क्या करेगी, जो फाइनल हमने बनाया है कैपिटल बजट के लिए, उसको स्वीकृति मिल गई है किससे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, संचालक मंडल से स्वीकृति मिल जाने पर उसके लिए कोषों का नियोजन किया जाता है, यानी फंड का अरेंजमेंट किया जाता है। फंड के नियोजन की व्यवस्था करना ही पूंजी बजटन कहलाता है। फाइनेंस कमेटी जो है वही आपके पूंजी बजट का निर्माण करती हैं, विभिन्न परियोजनाओं के लिए रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं और वित्तीय प्रबंध के द्वारा जुटाए जाते हैं जो रिसोर्सेज। क्लियर है आपको? तो यानी कि हमें ध्यान रखना है कि फॉर्मुलेशन ऑफ कैपिटल बजट कब बनेगा, जब फाइनल प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद कैपिटल बजट बनेगा, और कैपिटल बजट के लिए जो है कौन बनाएगा, जो फाइनेंस कमेटी होगी वो बनाएगी, वही डिस्ट्रीब्यूशन करती है रिसोर्सेज का कि कहाँ से हमको रिसोर्सेज लाने हैं प्रोजेक्ट के लिए, और ये डिसीजन किसके पास रहता है, फाइनेंस कमेटी के पास में, वित्तीय समिति के पास में। ऑथराइजेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, द डिफरेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट आर ऑथराइज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट फॉर देयर डिपार्टमेंट। देखिए अब जो है वो प्रोजेक्ट अकेला कोई भी डिपार्टमेंट नहीं कर पाएगा, उसके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट बने होंगे। किसी परियोजना को जब पूंजी बजटन में सम्मिलित कर लिया जाता है तो विभिन्न जो डिपार्टमेंट रहते हैं वो अपने अपने विभाग की परियोजनाओं में कार्य में लग जाते हैं, उनको ऑथराइज मतलब उनको एक अधिकार दे दिया जाता है। क्लियर है आपको? प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट का मतलब हो गया आपका प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसका इम्प्लीमेंट करना, यानी उनका क्रियान्वयन। व्हेन द एक्सपेंसेस फॉर द प्रोजेक्ट आर ऑथराइज्ड देन द इम्प्लीमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इज डन इन द डिफरेंट स्टेज, यानी कि जो आपने प्रोजेक्ट आपने बनाया है अब उसका हमें क्या करना है, क्रियान्वयन करना है, यानी कि परियोजना के व्यय के लिए जब खर्चों और व्यय की स्वीकृति मिल जाती है, यानी कि आप इतना खर्च कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट के लिए, तब परियोजना क्रियान्वयन विभिन्न चरणों में किया जाता है, यानी बहुत सारे स्टेज होते हैं उस स्टेज को कवर अप करती हैं। फीडबैक लास्ट में हमारा कौन सा पॉइंट है, फीडबैक। फीडबैक में होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज डन विद द बजटेड एक्सपेंडिचर, जब प्रोसेस का इम्प्लीमेंट यानी क्रियान्वयन किया जाता है तो कंपैरिजन किया जाएगा किसका, एक्चुअल एक्सपेंडिचर यानी जो वास्तविक एक्सपेंडिचर है आपका, उससे किससे कंपैरिजन किया जाएगा, जो बजटेड एक्सपेंडिचर होगा उससे। तो ये बजटेड एक्सपेंडिचर से हमने कंपैरिजन किया। एंड व्हेन द डेरिवेशन इज मोर देन परमिटेड लिमिट देन द डेरिवेशन इज एनालाइज एंड कॉस्ट एस्टिमेट आर रिवाइज और इफ़ेक्टिव स्टेप आर टेकन फॉर कॉस्ट कंट्रोल, यानी कि हम उसे मिलान तो करते हैं और इस मिलान को हम देखते हैं कि ये पूर्व निर्धारित सीमा से अधिक तो नहीं है, अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो इसका विश्लेषण किया जाएगा, लागत अनुमान में आप कह सकते हैं करेक्शन करेंगे, संशोधन करेंगे, और फिर हम इस कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, स्टेप उठाएंगे, वो भी प्रभावशाली स्टेप, यानी कि जो स्टेप हमको हमारे बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो आज हमने प्रोसेस क्या कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस देखा था, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग 10 स्टेप थे और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग देखेंगे। ओके, थैंक यू।